पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनकी सरकार 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहती है और ये पाकिस्तान के हित में है। एक तरह से उन्होंने मान लिया कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती पर ही रची गई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कबूला है कि मुंबई आतंकी हमले के पीछे लश्कर के आतंकियों का हाथ था। यह बात इमरान खान ने खुद कबूली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनकी सरकार 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ता को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहती है और यह पाकिस्तान के हित में है। एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती पर रची गई थी। इमरान खान का यह बयान उस समय आया है जब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पिछले महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक वह भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकी गतिविधियों को बंद नहीं कर देता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर बुरी तरह से आलोचना का सामना करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जुलाई में चुनाव जीतने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा था कि भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम दो कदम आगे चलेंगे। अपने नए बयान में उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद नवंबर 2008 में मुंबई हमले के दोषी आतंकियों को सजा दिलवाना चाहता है। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को हथियारों से लैस लश्कर इतैबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर आतंकी हमला कर दिया था और उसके शहर के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया, जिसमें ऐतिहासिक ताज होटल भी शामिल था। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए। भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया था जबकि जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को अदालत से फांसी मिलने के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।